शिवपुरी में मिला कुपोषित बच्चा, एम्बुलेंस नहीं आई तो निजी वाहन से लाए जिला अस्पताल। शिवपुरी के सुरवाया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम धुवानी में आज एक कुपोषित बच्चा मिला है। बच्चे के परिजन लगातार एम्बुलेंस को फोन लगाते रहे, लेकिन दो दिन से एम्बुलेंस गांव में नहीं पहुंची, जिसके बाद आज परिजन निजी वाहन टैक्सी से बच्चे को जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसका वजन कम बताया और भर्ती कर लिया। लोहानी से। बच्चा कितने साल का है? 1.5 साल का। वजन कितना है इसका? 6 किलो। 6 किलो। अच्छा, तो इसको अस्पताल कब लेके आए? अभी लाए। डॉक्टर ने क्या बताया? कमजोर बताए। कुपोषण बताया? हाँ। तो आप लोग कुछ खिलाते पिलाते नहीं है? इन खवाते नहीं, खाए जा आ रही उल्टी करते हैं। तो वहाँ पे अपने गाँव वगैरह दिखाया था क्या? नहीं दिखाया। तो नहीं दिखाया? आंगनबाड़ी में खाना नहीं मिलता? मिलते है। ले नहीं जाते अब? जाते ले भी। फिर कैसे हो गया? मुनी मैंने पहुंचा देते हैं, मुनी ले आते घर। नहीं तो आंगनबाड़ी में खाना मिलता है, तो बच्चा कुपोषण कैसे हो गया? खवाते है फिर नहीं खा जाए। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना? नहीं दिखाओ, जे नहीं लाए बेहतर नहीं दिखाओ। घर घर दिखाया कौन को? पर्वत कौन है? डॉक्टर है। तो अब क्या परेशानी आ रही थी आपको? जे कछ ना खाए ना पिए, और उल्टी करते और दस्त करते, कछ खवाते पिवाते ना, कछ खा गो रोटी पाई साल ही उल्टी करते। एम्बुलेंस से कब से भटक रहे थे आप? कल से। कल से? हां। फोन लगा रहा था? फोन जाके पापा लगा रहे थे। जिन खाए जी? कौन कौन? दे जी आशा। आशा क्या नाम है? खाना। आप ही के गाँव से आता है? हां। उनको लगा रहे थे? हां। किस लिए? गाड़ी बुलवा दो, भर्ती करवा दो, मोड़ आए। फोन लगा दो तीन बार, कल से लगा रही है वे फोन। कल सक दिन हम बने तैयार बैठे रहे, कल पूरा दिन होगा, आज होगा पूरा दिन, तब आप टैक्सी कर कर लाए हैं जब। अच्छा, टैक्सी से आए हम बिंगार के पैदल। पैदल आए हो? हाँ हाँ। अभी अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आई। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है? ज़्यादा टाइम ले जाओ। नाम है आपका? ममता गुप्ता। ममता जी कहाँ रहते हो? दुवानी। दुवानी। हाँ। कौन हो आप वहाँ पे? मैं सहायिका हूँ आंगनबाड़ी। जी, कुपोषण बच्ची का मामला सामने आया था, क्या मामला था? वो सर जी मामला आ गया है कि वो गाड़ी नहीं पहुँची है कल से। वो मैं गाड़ी को खुद ही फोन करा है, लेकिन गाड़ी कल से पहुँची नहीं है। कल भी मैंने 1:30 से 4 बजे तक फोन किया, और आज भी 4:45 बजे तक फोन किया, कहीं 6 बजे गाड़ी आएगी। मैंने कहा मैं निजी वाहन से लेके जा रही हूँ, मैं अपने वाहन से बच्चे को लेके आ गई। तो कितना वजन बताया डॉक्टर ने बच्चे का? 6 किलो 300 ग्राम बच्चे का वजन है। अति कुपोषण में आया है? हाँ। तो वहाँ पे क्या खाना वगैरह नहीं बांटा जाता क्या? खाना तो सर मैं ही देती हूँ, बढ़ता है खाना तो। लेने नहीं आते क्या? जी लेने भी आते हैं, लेकिन बच्चे आते हैं, पैकेट भी देते हैं, और जे जाते हैं एनजीओ वाले वो भी देते हैं, THR तो वो भी देते हैं। कुपोषण होने का कारण क्या रहा बच्चे का? कुपोषण होने का कारण तो ये है सर कि जे लोग निकल जाती हैं लकड़ियाँ कंडा लेने, मजदूरी करने, नींदने घोड़ने, कहीं कहती हैं हम मामा के जा रहे हैं, कहीं कहती हैं हम मायके जा रहे हैं, वो बच्चे को छोड़ गई, वो भूखा रो रहा है, प्यासा रो रहा है, इसलिए कुपोषण है। मैं खुद इससे 2 महीने से कह रही हूँ, रक्षाबंधन के पहले से, कि बेटा तेरे बच्चा कमजोर है, जा भर्ती कर ले, भर्ती कर ले। अब सारा मेरी क्या गलती है इसमें? तो जी एम्बुलेंस का इससे पहले भी और दिक्कत आई है क्या आपको पेशेंट को भर्ती कराने? मैं एम्बुलेंस को तो बहुत दिनों से परेशान हूँ, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ। अपना स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र? अपना तो ये सुरवाया था, वो वैसे अपना जिला चुकी गई है।